जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज में हम फिर से प्रश्न पत्र लेकर आए हुए आपके सामने। पहला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? आपका विद्यालय, परिवार से, श्रेष्ठ जनों, सभी से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, ये सभी आपके प्रभाव पड़ता है। संस्कृति का शिक्षा पर सभी प्रभाव पड़ेगा, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर रहेगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ऐसे किस बर्ताव से? आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? समाजीकरण की जांच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जा सकता है? समीपस्थ विकास कहा जा सकता है। उत्तर, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु की दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इसी को ही हम संवेदी गामक भी बोल सकते हैं, इंद्रियों का भी बोल सकते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई, किसने की है? पियाजे के द्वारा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपनों कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग की किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहे हैं? औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व की। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, यह सहपाठी विरोध याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता से। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जैविक की उपेक्षा होगी, बाकी ये इसके पार्ट है सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? आंख, कान, ये सब क्या है? संवेदी गामक अंग है, इंद्रजनित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इंद्रजनित गामक स्तर। याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, कौन सी है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या कहलाती है? आपकी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? यहाँ पर सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, ये अच्छा है या बुरा, ये आपका जोड़े का मिलान सही हुआ है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संस्तुतियों के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होगा। अगला प्रश्न है, डैश के विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो आपका याजे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट की बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के रिलेटेड, अभी हम और भी सीरीज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं नए वीडियो में लेकर आने वाले हैं। जब तक आप हमसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।